जी, हम कर रहे थे बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें बेटा हमने पहले, हम पिछली बार भी हमने किया था, बट हम इसमें गैमीट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। गैमीट्स में क्या है बच्चे कि हर जीन अलग है, हर जीन अपनी अपनी तरह से अलग होती है, सेपरेट होती है। जैसे एक चीज मैं बता देती हूँ, ये दो एलील्स है एक ही जीन की, और ये दोनों एलील इंडिपेंडेंट सेपरेट होगी। तो दो गैमीट्स कौन से बनेंगे? पहले तो नंबर ऑफ गैमीट्स मैंने बताया था आपको, टू टू द पावर एन। यहाँ पे है टू टू द पावर वन। एन इज नंबर ऑफ हाइब्रिड जीन। हाइब्रिड मीन्स जब दो एलील, जब एक जीन में जो दो फॉर्म्स है वो अलग डिफरेंट तरह की हो, दैट इज हाइब्रिड। सो हेयर वन जीन है, सो इट इज टू गैमीट्स। कौन से? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। देन हेयर इट इज अगेन टू टू द पावर एन। यहाँ पे दो हाइब्रिड जीन्स है, सो इट इज टू टू दी पार्ट टू, और ये है फोर। तो कैसे, अब आप यहाँ पे देखो कि क्या क्या अलग हुआ। ये ए गया और इधर से ए चला गया, इसके साथ कैपिटल बी यहाँ गया, कैपिटल स्मॉल बी यहाँ जाएगा। देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, और क्या हो सकता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी चला जाए। तो यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा। तो फोर टाइप ऑफ गैमीट्स। देखो ये हमारे चांस फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि ये चारों गैमीट जरूर बनेंगे, नहीं। जितने हम सैंपल्स ले लेंगे, मतलब ए ए बी बी वाले जो सेल्स हैं, हमने 50, 100, 200 ले लिए, तो हमें तब पता चलेगा कि ये चार टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। अगर ये बनेगा तो इसके साथ ये बनेगा, अगर ये बनेगा तो इसके साथ ये बनेगा, बट टाइप्स ये चार बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। और एक और मैं बताऊंगी, ये भी टू टू दी पावर एन। यहाँ पे बेटे सिर्फ एक ही हाइब्रिड जीन है, दूसरी तो प्योर है ना, दोनों ए है, एक ही हाइब्रिड जीन है। सो इट इज टू टू दी पावर वन, इट इज टू, ठीक है। और यहाँ पे दो गैमेट्स कौन से बने? कैपिटल ए, कैपिटल ए तो है ही है, हाँ। और इसके साथ एक ये चला गया और एक ये चला गया, और तो कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी के 9 यू ड्रॉ, कोशिश करो फटाफट से, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछना। तो इसमें कोई भी हाइब्रिड जीन नहीं है। टू टू दी पार्ट 0 इज 1 एंड द गैमीट इज ओनली वन चाइल्ड, दैट इज एक्स वाई। नेक्स्ट शिवांशी। टू कितनी हाइब्रिड जीन्स है बेटा? वन टू कितनी है? टू। सिर्फ ये हाइब्रिड है और ये जेड जेड तो हाइब्रिड है ही नहीं, तो ये तो प्योर है। सो गैमीट्स विल बी शिवांशी वन फोर फोर। वेरी गुड। कौन कौन से जल्दी से बताओ? कैपिटल मैम कैपिटल एक्स वाई जेड एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। नेक्स्ट। और मैम इसके स्मॉल साथ एक्स कौन सा आ जेड जाएगा? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड। आगे बोलो। मैम देन कैपिटल एक्स, हाँ, मैम कैपिटल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल जेड वेरी गुड। और यहाँ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई जेड। वेरी गुड शिवांशी। सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म। अर्णव जल्दी से बताओ, टू टू दी पार नहीं, टू नहीं बच्चे, ये देखो
ये तीन हाइब्रिड बीन्स है, तो इट विल बी 2 to the power 3. 2 to the 4 to the 8, 8 gametes बनेंगे. ठीक है, अब मुझे जल्दी से अगर तुमने कुछ बनाया है तो मुझे बताइए, चलो कौन से 8 gametes बनेंगे. मैम, हाँ जी बेटा, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल सी, और इसके साथ ही स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल सी. दूसरा बोलो मैम, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल सी. इसके साथ कौन सा आ जाएगा? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल सी. वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो. स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल वाई, स्मॉल सी कर लो. इसका ऑपोजिट स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल सी. नेक्स्ट आ जाइए, और क्या आ जाएगा? करो 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 फटाफट से. स्मॉल वाई, स्मॉल सी, और ऐसे भी आ सकते हैं ना, कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल सी, और इसका ऑपोजिट आ जाएगा स्मॉल एक्स, कौन सा हमने किया, कैपिटल वाई, स्मॉल सी. इजंट इट ठीक है कि नहीं? 8 बन गए, एवरीबडी ओके? यस मैम. ठीक है, तो इस तरह से गैमेट्स बनाने, आई थिंक यू कैन डू दैट राइट. ज्यादा मैंने ये बना दिया आपको, ट्राया हाइब्रिड बता दिया, बट ज्यादा डाया हाइब्रिड तक ही आते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ गैमेट्स आ सकते हैं. ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ गैमेट्स मुझे दोबारा से बताने हैं, कितने बने हैं. मैं यहाँ पे बताती हूँ, नंबर ऑफ गैमेट्स आपने बताने हैं. चलिए जी, आपने मुझे बताना है 2 to the power कितना हुआ. चलिए जी अर्णव, जल्दी से 2 to the power. बेटा 1 नहीं, एन क्या है? हाइब्रिड जीन्स है, हाइब्रिड जीन्स. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तो हाइब्रिड है ही नहीं, ये प्योर है. तो भव्य क्या होगा ये? 0. चल भव्य यहाँ पे बता, सोच के बताना भव्य, अपने अपने मैसेज करते चलो. सेकंड का दो है और 0. हरगुन, थर्ड का? मैम 2 to the power 1. वन. देन मयंक, हियर. मैम 2 to the power 0. 2 to the power 0, वेरी गुड. सरगम, हियर. मैम 2 to the power 2. 2, वेरी गुड. शिवांशी,
मैम वन ध्यान से देखो नहीं जीरो जीरो अर्नव ध्यान से देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी कैपिटल सी हरगुन ठीक है हाँ जी अर्नव जल्दी से इट इज टू वेरी गुड भव्य ध्यान से एक बार में आंसर ठीक बताना थ्री वेरी गुड हरगुन मैम वन वन मयंक मैम टू टू दी पावर टू वेरी गुड अर्नब भी ठीक बताया देन सरगम मैम फोर फोर वेरी गुड भव्य ने भी ठीक बताया भव्य बता कितने गैमेट्स बनेंगे इसके भव्य जल्दी से हाउ मेनी गैमेट्स जीरो वन टू कितने मैम इसका बनेगा टू टू दी पावर जीरो का क्या मतलब होता है अर्ना कितने गैमेट्स बनेंगे वन भव्य ने बताया वन अर्ना इसके बताओ बेटा थर्ड के बताओ बच्चे अर्ना यस इट्स टू मैम किसके कितने गैमेट्स बनेंगे मैम वन शिवांशी इसके बेटा मैम फोर यस सरगम इसके मैम वन शिवा क्या कहते हैं हरगुन इसके बेटा अब तो पता चल ही जाएगा ये तो वही है ये एट टू फोर एंड सिक्सटी इज इट ओके एवरीबडी क्लियर यस आई होप अब आप गैमेट्स ठीक बनाएंगे कोई भी क्रॉस आकर राइट देन नेक्स्ट हम आएंगे बेटे क्रॉसेस पे लेट अस से हमने ये दो पेरेंट्स है ये मेल है ये फीमेल है इन दोनों ने गैमेट्स बनाए बिल्कुल इधर देख के बेटे नई चीज है ना ऑल्दो टेंथ में की है बट क्योंकि सारे ऑनलाइन था आपका स्कूल में किस तरह से किया किस तरह से नहीं आई डोंट नो बट इधर ध्यान दो ये दो गैमेट्स बने क्योंकि एक हाइब्रिड जीन है टू रेज टू पावर वन तो टू गैमेट्स कौन से गैमेट्स बने ये दो और इसमें भी ये दो बन गए इसके बाद में फर्टिलाइजेशन देखिए फर्टिलाइजेशन भी बाय चांस फिनोमेना हो सकता है अगेन हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं मैम इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हमेशा इस दो की नहीं हो सकती मेल का मेल के साथ थोड़ी फर्टिलाइजेशन होगी मेल की फीमेल के साथ ही होगी ठीक है कैपिटल टी हो सकता है ये बने या हो सकता है इसकी फर्टिलाइजेशन हो तो ये बनेगा अगर ये गैमेट बनके इसके साथ फर्टिलाइज हो तो ये बनेगा और हो सकता है कि इसकी इसके साथ हो तो आप क्या देख रहे हो वन टी टी बन रहा है टू टी टी बन रहे हैं और एक ये बन रहा है इसको हम और किस तरह से भी ऐसे टेढ़े मेढ़े से हमसे नहीं बनाए जा रहे तो हम इसका
नेट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे बेटा? ये मेल के गैमेट लेंगे, ये फीमेल का। मेल गैमेट ऊपर टी और ये टी, फीमेल गैमेट ये वाले इस तरफ को। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है, ये और ये और ये, दिस वन दिस एंड दिस, इज इट ओके? सो दिस इज वन क्रॉस जिसमें एक हाइब्रिड जीन है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको दूंगी, फिर आप बना। आप बना सकते हो, जैसे मैंने बता तो दिया है, ये इसके गैमेट्स बनाओ और इसके गैमेट्स बनाओ। ये मेल है, ये फीमेल है, चार गैमेट्स बनाओगे ना। तो मैं यहां पे आपको ऊपर वाली साइड मेल के बनाओगे, नीचे वाली साइड फीमेल के। यहां पे जल्दी से मुझे बताओ कौन से गैमेट्स बनेंगे। वन इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, और स्मॉल ए। बेटा ऐसे नहीं, देखो ये दो जीन्स हैं, हर गैमेट में दोनों में से जीन्स की एक कॉपी तो जाएगी ना बेटा, इन दोनों ने अलग होना है। तो कैपिटल ए के साथ ये कर सकते हो, या दूसरा कैपिटल ए के साथ ये भी आ सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। इसी तरह फीमेल गैमेट्स बनाओ, पुनेट स्क्वायर फर्टिलाइजेशन करके देखो जल्दी से। चलिए पहले तो आपने गैमेट्स ही लिख लेने हैं, मेल भी यही फीमेल भी यही। ऐसे ही यहां पे भी लिखूं, जल्दी से मयंक फटाफट से। ये यहां पे क्या कौन सा बनेगा जाइगोट? मैम कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, है ना। अपनी जीन की एलील साथ में ही लिखनी है, ठीक है। भव्य ये बताओ सेकंड वाला, मैम कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल बी, क्या बोली जा रहा है, दोबारा से बोल। कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी सॉरी कैपिटल, मैंने क्या कहा है, ए के साथ ए और बी के साथ बी लिखना है, उसी हिसाब से बोलो बेटे, सुनते नहीं हो, बोलो ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बोल रहे हो आपने जो बोला है वो ये है, इज इट राइट? बेटा तुम अगर देख के भी नहीं ना करोगे तो फिर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बिठाना है साथ में, इसको और इसको करना है, इन दोनों को करोगे तो क्या बनेगा? अच्छा अच्छा बोल, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हाँ अर्णव ये बताओ जल्दी से,
इसके साथ क्या बनेगा? क्विक करना, नेक्स्ट हरगुण, ये हरना बताएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ध्यान से अर्नब दोबारा से देख के, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो भोगे ने की है, इसको इससे, ये तो सेम ही है बेटा, ये डिफरेंट जा रहे हैं, या बताओ दोबारा से बताओ अर्नब, हरगुण यू आर ऑल्सो, अच्छा लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाला अर्नब, दिस वन इसके साथ अर्नब फिर गलत बता रहे हो बेटा, आप ये बता रहे हो, मैं ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये चलिए जी ये बताइए, चलिए सरगम इसका इससे जब, अब वेरिएबल्स तो यही है, अब एक ये है, इसके साथ जब ये फ्यूज करेगा तो क्या आएगा सरगम? मैम कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वेरी गुड सरगम शिवांशी, नेक्स्ट अर्नव ये आपने बताना है दोबारा से, यही आ गया है मैम, कैपिटल ए स्मॉल बी, वेरी गुड अर्नव दिस वन, और भव्य दिस वन, अब ठीक है अर्नव, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हाँ जी भव्य ये वाला जल्दी से, हाँ मिल जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी बी, हाँ मयंक ये वाला मैम, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, वेरी गुड सरगम दिस वन, मैम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, एक मिनट यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, दिस इज कैपिटल बी, आई एम सॉरी, हाँ अब बोलो सरगम यहाँ पे, मैम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वेरी गुड शिवांशी, मैम स्मॉल ए कैपिटल बी, वेरी गुड अर्नब, इसका अर्नब अब, वेरी गुड भव्य, मैम हो जाएगा एक मिनट, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हरगुण बिल्कुल ठीक है, शिवांशी मैम स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वेरी गुड मयंक लास्ट, मैम स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर तुम गलत तरीके से बोल रहे हो, किस तरह से मैंने बताया मैम, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, हाँ ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम देखें इसकी रेशियो तो हमें क्या मिला है, वन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर है ये कितने हैं जरा देखो, एक दो, दो ही है ना जी, सो इट इज टू कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये देखिए ये वाला देखो, वन टू
ये भी दो ही है बच्चे, देन ये वाले देखो दोनों हाइब्रिड वन टू थ्री फोर, फोर है उसके बाद हमारा ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब कौन सा आ गया? ये वाला कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये कितने हैं? ये एक ही है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ये कितने हैं बच्चे? एक और ये दो। फिर ये एक ही होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। फिर दो है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और फिर एक है ये वाले जीनोटाइप। अब बेटा यहां पे अब आपसे ये पूछा जाए, ध्यान से अब देखना, ये बेटा सेल्फिंग है। सेल्फिंग का मतलब होता है जब दोनों पेरेंट्स एक ही जीनोटाइप के हो। लिखो सेल्फिंग, सेल्फिंग मींस व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव सेम जीनोटाइप्स। वो तभी हो सकता है अगर सेम प्लांट के हो, when both male and female share same genotypes। question आ जाता है in selfing of capital A small a capital B small b, इसको हम क्या बोल सकते हैं? dihybrid, क्योंकि दो हाइब्रिड जीन्स है। हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप्स विल बी फॉर्म्ड? जब हमने इसकी सेल्फिंग की, ये हुआ तो मैं जीनोटाइप्स बताऊंगी वो कितने कितने बनेंगे। ये देखिए, अब हमने बेटा ये, अब देखो ये जीनोटाइप सर्गुनी भाई बेटा, कि हमने इनके जीनोटाइप ये कितने कितने बनेंगे। अब पहले ये बनाए हैं, फिर हम ये देखें, तो हमने जो पेपर में क्वेश्चन करना है एमसीक्यू, तो हमारे 10 मिनट इसमें लग जाएंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ताकि हम जल्दी से करें तभी। अब बेटा जब हमने ये क्रॉस किया तो हमें रेशियो क्या मिली थी? 1AA 2AA एंड 1AA। चार में से, ध्यान से देखो, चार में से ये 2/4 और ये 1/4,
यस और नो, पहले मुझे बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई? एवरीबडी, जिसको नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। मयंक को नहीं आई, मयंक क्या चीज नहीं समझ? एक और बार बेटा, ये तो करना आता है आपको कि नहीं? इसको जब क्रॉस करें, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी किया था, लिखा था कि नहीं? अभी किया था ना, तो उसमें यही रेशियो आती थी ना? यस मैम, आ गया समझ। तो भी आपको आया कि नहीं? ठीक है। ठीक नहीं है, आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी कर लो, आपको वो, क्योंकि आपने दसवीं में वही किया हुआ है। ठीक नहीं, समझ में आनी चाहिए। मोनो हाइब्रिड है ये, तो हमें बना था वन, ये बना, चार बच्चे बने, चार ऑफस्प्रिंग्स बने, उसमें से एक ये, दो ये, एक ये। तो इसको हम अगर रेशियो, अगर फ्रैक्शन में किया जाए, तो ये है 1/4, ये है 2/4, इसको काटना नहीं है, चार में से दो, और ये है 1/4। हाँ जी भव्या, ठीक है? हाँ जी। अब यहाँ पे हमने वही चीज देखनी है, ठीक है? अगर ये स्मॉल ए, स्मॉल ए है, मतलब ये वाला, इसकी रेशियो लो 1/4, ये वाला। अगर ये है, इसकी रेशियो है 2/4, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2/16। इसका मतलब 16 में से, आप ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में से दो जो है वो इस जीनोटाइप के होंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दो ही बनेगा, चेक करना है आपने। अब ये है, क्या आएगा इसकी 1/4 की 2/4? जल्दी से anybody tell me, मैम 2/4, 2/4 क्योंकि हाइब्रिड है ये वाला, ये बताओ 2/4, 2/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4/16, 4/16। क्या आप देख सकते हो कि ये चार है कि नहीं? Yes or no? अब इसमें बताइए, भव्य आप बताओ, भव्य बताएगा। हाँ जी, भव्य जल्दी से, इसमें 1/4 की 2/4? माइक ऑन कर भव्य। हाँ बोल। अब अर्नव ये बताइए बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है 1/4 की 2/4? जल्दी से अर्नव, 1/4, ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ए है, हाइब्रिड है, बच्चे यहाँ पे देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है 2/4 है बच्चे, जहां हाइब्रिड है वहां पे 2/4, जहां पे प्योर है वहां पे 1/4, 2/16 आप चेक कर सकते हैं। Is it okay, everybody? ठीक है, अब मैं आपको एक और देती, बस ये याद रखना है कि जहां हाइब्रिड है वहां पे आपने 2/4 लेना है, और जहां पे प्योर है वहां पे 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन सेल्फिंग ऑफ ट्राया हाइब्रिड, ये वाली चीज सिर्फ सेल्फिंग में लगेगी, पहली बात तो ट्राया हाइब्रिड, नंबर ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप्स,
चलिए जल्दी से, ये जीनोटाइप्स आपने बताने हैं कि कितने कितने बनेंगे, इस जीनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग्स है, इसके कितने ऑफस्प्रिंग्स है, इतने किसके, जल्दी से। हाँ जी सेवन हो, मैं बता देती हूँ। अर्णव, भव्य, हरगोल, मयंक, सरगम, शिवांशी एंड भव्या भी, वैसे तो अर्णव आएगा यहाँ पे। चलिए अब आपने ये मुझे बताने हैं, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो अगेन, जब हम कहते थे दोबारा से यही करके देखा करो, तो ये रेशियो बनी 1 tt 2 tt and 1 small t, यही रेशियो है। ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए वन, कितने में से, 4 में से, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, हाइब्रिड तो है ही नहीं कोई। तो 4 × 16 × 64, 64 में से, सो 1/64। अर्णव ये बताओ बेटा, ये देखो जल्दी से अर्णव, तो आप बोलता ना, चल पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। ये भव्य है, ये क्या है, भव्य जल्दी से माइक ऑन कर। क्या आएगा, 2/4 के 1/4, इसका हो जाएगा 1/4, 1/4 और 1/4, और इसका आंसर आएगा 1/64। यस, 1/4, 1/4, 1/4, तो 1/64। हरगुण आप बताओ बेटा, ये क्या है, 2/4, दिस 2/4, दिस वन 2/4, और ये 1/4, कितने हो गए टोटल, 4/64। यस, 64 में से 4 है जो इस जीनोटाइप के होंगे, राइट। मयंक नेक्स्ट। मैम 1/4, 1/4, 2/4, इट इज 2/64। सरगम मैम 4/64 को आगे सॉल्व नहीं करना है, नहीं रहने देना है, बस इतना ही सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि 64 आपने नहीं करना, वो मैथ नहीं करना, यहीं पे ऐसे ही छोड़ना है। सरगम ये वाला मैम 2/4, 2/4, 2/4, 2 × 4 × 8, तो 8/64। शिवांशी मैम 4/64, दोबारा से देखो, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बताओ ये क्या है मैम 1/4, ये 1/4, और ये 2/4, सबको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 2 कितना हो जाएगा मैम 2/64, बस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। अर्णव बताओ जल्दी से इसका, 1/ बेटे ये आपने थोड़ा सा लिखने में शायद गलती कर ली, 1/4, 2/4, 2/4, इट इज 4/64, वेरी गुड, ठीक है जी, इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबडी। जल्दी से जिसको नहीं पता चला वो हाथ खड़ा करो, जिसको पता चल गया वो टिक लगा दो, जल्दी से। चलिए जी सबको क्लियर है, वेरी गुड।
अब ये बेटा ये आपने क्रॉसेस, अब मैंने सेल्फिंग नहीं है यहाँ पे, अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है। मैं थोड़ा सा आपको ये लास्ट वाला बताती हूँ, बाकी के आप करना। ये वाला क्या है, इसमें गैमेट देखो ऑब्वियसली चार ही बनेंगे, दो हाइब्रिड जीन्स है, कौन कौन से, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहां पर भी चार ही बनेंगे, दो ही हाइब्रिड जीन्स है, बट कौन सी, ये चार बनेंगे। इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, पुनर्ट स्केयर बनाओ, ऊपर मेल नीचे फीमेल। मेल है बनाओ फटाफट से। अब ये बाकी के सारे अब आप खुद बनाओ और फिर हम चेक करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। और इसका हम अगर देखें, कैपिटल पी स्मॉल पी और ये सिर्फ स्मॉल, तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी, इजंट इट, यस और नो? यस मैम, ठीक है। चलिए सेकंड का हम ये देखते हैं, ये हमने बना लिया था, इसको इससे करेंगे, आप देखते चलो, है ना। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। अब इसको इन सब से करने, चलिए जी, आई होप डन। यस मैम, एवरीबॉडी टिक मारते जाओ भी, हाँ हो गया है, ताकि मुझे पता चलता रहे। एवरीबॉडी जल्दी से, भव्या, अर्णव, शिवांशी, अर्णव एंड शिवांशी का नहीं पता चल रहा मुझे बेटा। चलिए यहाँ पे देखो जल्दी से, हरगुण कितने गैमेट्स बने, इसके फर्स्ट के कितने बने, वन वन, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसके स्मॉल ए स्मॉल बी एक, हाँ यही तो गैमेट्स बने दो, और इनको फ्यूज किया तो ये बन गया, सिर्फ इसमें पुनर्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक एक ही तो गैमेट बना, तो दिस इज, एवरीबॉडी ओके मैम? हाँ जी, को मैंने जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी ऊपर और नीचे साइड पे स्मॉल ए स्मॉल बी करके करा है, कैसे मतलब आपने क्या लिखा है, जैसे कि जो टेबल में, हाँ वो तो जैसे मर्जी कर लो, मेरा मतलब इसमें टेबल की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि
क्योंकि एसी था इसलिए करिए, वो तो जैसे मर्जी करिए। चलिए सरगम गमीज इसके मैम वन वन कौन सा मैम ए बी इसका मैम टू कौन कौन से मैम ए कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। आपने अगर बनाया है पुनर्स किया तब भी ठीक है, नहीं तो आप ये देखो इसको इससे फ्यूज किया इसको इससे फ्यूज किया। इज दिस ओके एवरीबडी? अर्नव हो गया, हरगुण, मयंक, सरगम, शुभांशी, टिक लगाओ जल्दी से जिस जिसके हो गए। अर्नव यू ऑल्सो ठीक है। नेक्स्ट शिवांशी गैमेट्स बताओ इसके कितने बनेंगे? जल्दी से शिवांशी। यस मैम। मैम फर्स्ट का फोर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे मैम? कैपिटल ए बी सी मतलब स्मॉल सी सॉरी बोलो नेक्स्ट स्मॉल ए बी सी एंड बी स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। वेरी गुड। और इसके मैम सिर्फ वन ए स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बिल्कुल ठीक है। इसको जब किया तो बना कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बना मतलब आप करके देख लो। ये तो मैंने आपने पुनर्स केयर में बनाना, मैंने तो आपको करके बता दिया कि ये चार आए कि नहीं आए। देखो जरा यही आया है, जल्दी से टिक बताओ। भव्य हरगुण मयंक भव्य जन यस वेरी गुड। नेक्स्ट भव्य जल्दी से इसके गैमेट्स बता। फटाफट माइक ऑन कर। मयंक आप बताओ। मैम जो मेल है उसके बन रहे हैं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बिल्कुल ठीक है। इधर इधर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। इसका फुल लेट्स केयर बना सकते हो? मैम बनाया है ये देख लो अब बना ले हम। कर सकते हो कि नहीं? कैन यू डू दिस? गैमेट से बनाने की प्रॉब्लम है एंड आई होप यू दिस आल्सो यू कैन डू। ओके ठीक है जी। चलिए तो अब आपको गैमेट्स बनाने आ गए और क्रॉसिंग आ गई है। अब हम मेंडल पे आएंगे कि आगे मेंडल ने कैसे क्रॉसेस। इज इट ओके? ठीक
ठीक है, आज आपको थोड़ा सा बेसिक पता चला है और भव्य है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्रॉसेस पे आएंगे, सॉरी मेंडल की लॉज पे आएंगे टुमारो एट 10:30। ओके भव्य, माइक ऑन कर बेटा।